हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बबली। आपका स्वागत करती हूं बबली किचन में। फ्रेंड्स, आज मैं इंस्टेंट भटूरे की रेसिपी लेके आई हूं, जो एकदम रेस्टोरेंट जैसा फूला फूला और सॉफ्ट नरम मुलायम रहेगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं सारे टिप्स आपको बताऊंगी कि परफेक्ट भटूरे कैसे बनाएं, जिसे खा के आपका पेट तो भर जाएगा लेकिन मन नहीं भरेगा। तो फ्रेंड्स, आइए फिर फटाफट बनाना शुरू करते हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी दबाएं। और इसके साथ ही आपको तीन ऑप्शन दिखेंगे, तो सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है ऑल वाला, वो टच करें, जिससे कि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको मिलें। भटूरा बनाने के लिए एक बड़े से बर्तन में हम लेंगे 2.5 कप मैदा, और वेट में लगभग ये 500 ग्राम है। और बीच में थोड़ा सा हम जगह बनाएंगे, कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैंने लिया है 1 टीस्पून चीनी, आप पाउडर शुगर भी ले सकते हैं, 1/2 टीस्पून नमक। और इसके बाद फ्रेंड्स, जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है इनो, जो बिना फ्लेवर का आता है, ये ग्रीन वाला, ये हम लेंगे 1 टीस्पून। इसी से हमारा भटूरा इंस्टेंट बनेगा और फूला फूला और बहुत ही मुलायम बनेगा। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर भी 1 टीस्पून ले सकते हैं। और 2 टीस्पून हम डालेंगे कुकिंग ऑयल, और 1/2 कप मैंने लिया है दही, और इनो के ऊपर ही हम दही को डालेंगे, जिससे कि इनो रिएक्ट करेगा। और फ्रेंड्स, आप चाहें तो दही का मात्रा थोड़ा सा कम भी कर सकते हैं। अगर आपको खट्टा थोड़ा सा पसंद है भटूरा, तो आप 1/2 कप ले लें, नहीं तो आप इससे कम भी ले सकते हैं, 1/4 कप ले सकते हैं। तो पहले हम दही के साथ सारी चीज़ों को ऐसे मैदा में मिला लेंगे, और इसके बाद हल्का गर्म पानी मैंने लिया है 1 कप, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसको मिलाते जाएंगे और एक सॉफ्ट डो बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, हल्का गर्म लेने से ये फ़ायदा होता है कि हमें फर्मेंट होने के लिए बहुत देर नहीं रखना पड़ता है, और बहुत जल्दी से ये फर्मेंट होके डो तैयार हो जाता है। तो अब हमें 4-5 घंटा वेट नहीं करना पड़ेगा, बस इसको हम 1/2 घंटे या फिर 1 घंटे रखेंगे, उतने देर में ही हमारा ये डो अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। तो ज़्यादा गीला नहीं करेंगे, क्योंकि फिर फर्मेंट होने के बाद ज़्यादा गीला हो जाएगा तो आपको बेलने में दिक्कत होगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने इसका डो ऐसा बनाया है जैसे कि रोटी के लिए बनाते हैं। थोड़ा सा हाथ में ऑयल लगा के इसको 2-3 मिनट नीड कर लेंगे, जिससे कि सॉफ्ट हो जाए। और नीड करने के बाद ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको हम 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे। 1 घंटा हो चुका है, और अब कवर हटा के हम देख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डो अच्छी तरह से फॉर्मेंट हो गया है, और ये फूल के ज़्यादा भी हो गया है। तो एक बार इसको हम नीट कर लेंगे, और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ये हाथ में चिपक नहीं रहा है। इसी से पता चलता है कि हमारा डो बहुत अच्छा बना है। तो अब सूखा आटा लगाएंगे थोड़ा सा, और हम इसका भटूरा बनाना शुरू करेंगे। तो बड़ा सा इसमें से बॉल लेंगे, मैं बड़े बड़े भटूरे बनाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैं बड़ा सा बॉल ले रही हूँ, तभी फीलिंग आता है कि रेस्टोरेंट स्टाइल का भटूरा है। तो एकदम क्रैक्स नहीं होना चाहिए, अच्छी तरह से उसको आप चिकना कर लें, और सूखा आटा लगा के इसको रोल करें। तो फ्रेंड्स, ऑयल मत लगाएं, आप सूखा आटा लगा के रोल करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से ये रोल होगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छी तरह से इसको बराबर बेल लें, और पूरी की तरह पतला नहीं करेंगे, थोड़ा सा रोटी जैसा या पराठा जैसा हम ठीक रखेंगे। तो आप देख सकते हैं, एक भटूरा मैंने रोल कर लिया, फिर से एक और भटूरा मैं रोल करके दिखा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बड़ा सा बॉल लें, और बॉल में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं होना चाहिए, और इसको एक बराबर आप रोल करें। तो यही टिप्स है जिससे कि भटूरा फटता नहीं है फ्राई करने टाइम। तो देखिए, ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, थोड़ा सा थिक होना चाहिए। तो दो मैंने रोल कर लिया, अब फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए इधर मैंने ऑयल भी रख दिया है गर्म होने के लिए, और ऑयल अच्छी तरह से गर्म करना है हाई फ्लेम पे। और थोड़ा सा डो डाल के हम चेक कर लेंगे, और देखिए जैसे ही इसमें डो डालेंगे उठ के ऊपर आना चाहिए, तो इसका मतलब ऑयल एकदम परफेक्ट गर्म है। तो हमें हाई फ्लेम में ही डालना है। तो दोनों हाथों से पकड़ के भटूरे को साइड से डालेंगे सावधानी पूर्वक, और जैसे ही ऑयल में भटूरा जाएगा, स्पैचुला से उसको हम ऑयल में डुबाते रहेंगे, जिससे कि उसके ऊपर भी ऑयल आएगा तो एकदम परफेक्टली फूल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर ये फूला है फ्रेंड्स। तो यही ध्यान रखना है आपको, फ्राई करते समय हाई फ्लेम पे गरम ऑयल में डालें, और ऊपर से गरम ऑयल डालते रहें, और जब एक साइड से सिक जाए तो पलट देंगे,
और आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर आया है, एकदम परफेक्ट भटूरा हमारा बना है। तो जब नीचे से भी थोड़ा सिक जाएगा तो इसको हम निकाल लेंगे। वाओ, परफेक्ट। तो दूसरा भटूरा भी हम उसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। गरम ऑयल में हमें डालना है और फ्लेम हाई रखना है, और जैसे ही भटूरा ऑयल में जाएगा तुरंत हम स्पैचुला से उसको डुबाएंगे और उसके ऊपर गरम ऑयल डालेंगे। तो इससे फ्रेंड्स हमारा भटूरा एकदम तुरंत से फूल जाएगा, और जैसा कि आप देख रहे हैं। और एक चीज़ और है फ्रेंड्स, आप बड़ा सा कढ़ाई यूज करें जिससे कि भटूरा बड़ा बड़ा एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल का बनेगा। तो देख सकते हैं आप, एकदम परफेक्ट बना है। अब मैं इसको सर्व करूँगी। तो एकदम फूले फूले और नर्म मुलायम भटूरे मैं सर्व करूँगी छोले के साथ। तो फ्रेंड्स छोले की रेसिपी भी मेरे चैनल पे अपलोड हो चुका है, आप उसको देख के बना सकते हैं और देख सकते हैं कितना टेस्टी दिख रहा है, कितना परफेक्ट। मैं इसको ऐसे तोड़ के आपको दिखा रही हूँ, और इसके अंदर आप देख सकते हैं एकदम जालीदार है। वाओ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल में आप कभी भी बना सकते हैं, बिल्कुल भी आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और बनाइए, इंजॉय करिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर से मिलते हैं, बाय बाय।